अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम। जी। शेख, आज आजकल बहुत सारे खाने के ऊपर कच्ची प्याज डाला जाता है, तो मेरा सवाल यह है कि कच्ची प्याज खाना क्या ये इस्लाम में नापसंदीदा है? और क्या अगर इसे खाकर, अगर मस्जिद में तो नहीं जा सकते, लेकिन घर में अगर नफल नमाज पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ सकते हैं? देखिए, प्याज, लहसुन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बू होती है, प्याज लहसुन के अलावा भी कोई चीज हो सकती है, ऐसी चीज खा करके और बगैर मुंह साफ किए हुए मस्जिद में जाना ये दुरुस्त नहीं है, इससे मना किया गया है। इसी तरह आप नमाज अगर घर में पढ़ना चाहते हैं तो नमाज पढ़ते वक्त भी आप इसको, इससे परहेज करना है, क्योंकि आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आप खड़े हो रहे हैं, फरिश्ते हैं, उनका एहतराम करना है। तो प्याज लहसुन या इस तरह की चीज खाना मुतलकन मना नहीं है, ये उस वक्त मना है जब आप मस्जिद में जा रहे हैं या आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, तब मना है। हाँ, अगर आपने खाया, उसके बाद आपने मिसवाक कर लिया, सही से मुंह साफ कर लिया, या उसके बाद कोई ऐसी चीज खा ली कि आप बू खत्म हो गई, तो कोई मजायका नहीं है। असल जो मुमानियत है उसकी इल्लत है बू का होना, मुंह में बू का होना। अगर वो इल्लत जायल हो जाए तो हुक्म भी जायल हो जाएगा। तो प्याज लहसुन खा के या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बू हो, अगर हम मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें या कोई ऐसी चीज खा लें जिससे वो बू खत्म हो जाए, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुतलक तौर से खाना, आम औकात में खाना, तो बिल्कुल भी मना नहीं है।